I can hear you in a very slow volume as compared to the past few days. Please ask Dr. Sindhu that she could hear you properly or not. Or it is the problem from my side only. Okay, just a second. Voice is clear, ma'am. Clear and loud. Achha, voice is clear. That means it is a problem in my system only. My voice is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, once again, a very good evening to one and all. I, Manisha Yadav, welcomes you all in this program of Mission Shakti, organized by Women Graveyards and Welfare Cell, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, under the able guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Ravi Shankar Singh, sir. आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित समस्त प्राचार्य आचार्य प्राध्यापकगण अधिकारीगण शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों का मैं मनीषा यादव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आज हमारे विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर नीलम पाठक मैम का। मैं स्वागत करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय परिवार के रजिस्ट्रार श्री उमानाथ सिंह सर का, जिनके मार्गदर्शन में नित्य प्रतिदिन यह कार्यक्रम लगातार 10 दिनों से आयोजित किया जा रहा है। वेलकम सर। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हैं, तो अब मैं आप सभी के बीच तकनीकी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग मोड से सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच टीम। कार्यक्रम की इस कड़ी में अब मैं हमारे बीच हमारी सेल की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम को आज के कार्यक्रम की कार्यवृत्ति पर प्रकाश डालने हेतु आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच इंजीनियर मनीषा। मिशन स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मिशन शक्ति का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदीय नवरात्रि से किया है, और मिशन इस कार्यक्रम का पूरे दौरान में
हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर एवं हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर श्री उमानाथ सर का बहुत बहुत सहयोग रहा है। उनके सर के सहयोग और प्रेरणा से ही लगातार सहयोग बना हुआ, जिसकी वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कराने में सफल हो रहे हैं। तो इस मिशन शक्ति का उद्देश्य बच्चों एवं महिलाओं में उनके आत्मसम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए शारदीय नवरात्रि से वासंतिक नवरात्रि के मध्य मिशन शक्ति का संचालन निरंतर जारी रखा जाएगा, जिससे कि हमारी बेटियां इतनी सशक्त बन सकें कि अपने खिलाफ हो रहे अपराधों को पूरी शक्ति और सामर्थ्य से वो लड़ सकें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित गण द्वारा बालिका सुरक्षा शपथ ली जाएगी तथा दोनों नवरात्रि के मध्य बीच बीच में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे अधिकांश जनमानस को हम लोग जागरूक कर सकें। यहाँ पर मैं यह बताना चाहूंगी कि सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तो इसीलिए यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसके लिए महिलाओं खुद से भी अपना भेदभाव करना बंद कर दें, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि कई परिवारों में महिलाएं घरों में ही बेटा बेटी में बहुत भेदभाव करती हैं। अपने बेटे को तरह तरह की सुविधा प्रदान करेंगी, जबकि बेटियों को वहीं कई सुविधाओं से वंचित रखती हैं। तो आशा करते हैं कि महिलाओं को जरूर इस जो अभियान का जो उद्देश्य है इसको वो समझेंगी और नारी शक्ति के उद्देश्य को भी वो समझेंगी और उसको वो अपने जीवन में उतारेंगी तथा अपने घर में ही वो बेटा बेटियों के बीच में भेदभाव बंद करके उन्हें समान अधिकार भी प्राप्त कराएंगी। तो इससे जो उनके बेटे हैं वो भी इस चीज को बचपन से ही उनके अंदर ये कल्चर डेवलप हो जाएगा कि हाँ जितना अधिकार हमारा है उतना ही हमारी बहन का भी है। नहीं तो बेटे जब बचपन से इस चीज को देखेंगे तो वो आगे का समाज सुधरेगा, नहीं तो जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर वही चीज आ जाएगा कि हमें हर चीज का अधिकार ज्यादा है और बहनों को अधिकार कम है। तो ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो है इसलिए माताएं, घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता दोनों ही लोग घर में जो है भेदभाव करना बंद कर दें, तो वहां से भी इस मिशन शक्ति का अभियान का जो उद्देश्य है वो भी जो है सिद्ध होगा। इसके अलावा हमारा यह भी मानना है कि बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनने के लिए उनका संतुलित पोषण ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है, और जिससे उनकी स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। और ये एक मूल आधार है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, यह एक मूल आधार है कोई भी महिला एवं बहन को सशक्त होना। तो महिलाएं इससे क्या होगा, अपने शारीरिक और मानसिक दोनों उनका विकास होगा, साथ ही साथ समाज में वो एक अपना अच्छा प्रतिष्ठाजनक स्थान भी बना सकेंगी। तो हम सभी जानते हैं क्योंकि कि पोषक तत्वों की कमी से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाता है। और सशक्त महिला जब बनेगी तभी राष्ट्र का भी विकास होगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है ये जो पूरा अभियान एक नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा, इसके बीच जो है हर सोमवार को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, उनके स्वास्थ्य तथा उनके पोषण हेतु विविध जानकारियां उनको दी जाएंगी। विविध प्राविधान और सरकारी योजनाएं जो इस पे बनी हुई है उनके उनसे भी उनको जो है क्या कहते हैं अवेयर कराया जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी ने ज्वाइन किया, और आगे भी इस तरीके से आप लोग का सहयोग बना रहेगा, और इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम for enlightening us with the kind words. जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि आज के कार्यक्रम में दो शपथ ग्रहण का आयोजन होना है। पहली शपथ बालिका सुरक्षा शपथ है, जो कि अभिभावकों द्वारा ली जानी है, तथा दूसरी शपथ छात्रों द्वारा अर्थात मेल स्टूडेंट्स द्वारा ली जानी है, जो कि बालिका सुरक्षा शपथ है। अतः शपथ को दिलवाने हेतु अब मैं हमारे बीच प्रोफेसर नीलम पाठक मैम, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए तथा प्रथम शपथ अभिभावकों को दिलवाने
तथा की कृपा करें, तथा मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित सभी अभिभावक कृपया अपने स्थान से इसे दोहराएं। वेलकम मैम। मनीषा अनम्यूट कर दीजिए सबको। यस मैम। थैंक यू मनीषा। वेलकम मैम। मैं सारे अभिभावकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शपथ लेंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली शपथ अभिभावकों द्वारा लेनी है और यहाँ जुड़े हुए बहुत सारे टीचर्स भी अभिभावक हैं, और जो भी अभिभावक हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस शपथ को दोहराएं। अनम्यूट कर दीजिए मनीषा। यस मैम, अनम्यूट है। ओके ओके, सब लोग अपने तरफ से भी अनम्यूट कर लें, सभी पार्टिसिपेंट्स। मैम आप प्लीज कंटिन्यू करें पाठक। रजिस्ट्रार सर को अनम्यूट कर दीजिए मनीषा। यस मैम, सर अनम्यूट है, सर प्लीज। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक के मूल्य सिखाऊंगी, जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी, और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी, और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को, इस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए, अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का, उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अब मैं एक बार पुनः प्रोफेसर नीलम पाठक मैम से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे बीच उपस्थित मेल स्टूडेंट्स को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाने की कृपा करें। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये शपथ ग्रहण करें। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि, मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा, सदैव बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान करूंगा, और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा, और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में, मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अपने कृत्यों, अपने कृत्यों शब्दों, शब्दों तथा कर्मों से, तथा कर्मों से, कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के, किसी बालिका या महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का, अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा, हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं, मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को, एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए, उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में, समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा, अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कृपया खुद को म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू इंजीनियर मनीषा। कार्यक्रम के इस कड़ी में अब मैं हमारी सेल की सदस्य डॉक्टर सरिता द्विवेदी से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका 17 तारीख से 9 दिवसीय बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का सुचारू रूप से संचालन हुआ। अब इस कार्यक्रम को हमारी महिलाओं और बालिकाओं को और सशक्त करने के लिए इसको जो है हमारे शारदीय नवरात्र से लेकर वासंतिक नवरात्र तक पूरा कंटिन्यू रखने का आदेश हुआ है। इस क्रम में आज हमारे विश्वविद्यालय में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके लिए मैं अपने सदस्य के सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे स्वागत के लिए यह अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं अपने कुलपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिनके स्नेह सहयोग और प्रेम से यह कार्यक्रम लगातार बहुत ही अच्छे रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। और आज हमारी जो मुख्य वक्ता थी प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम, उन्होंने जो बालिकाओं को उनके हेल्थ के बारे में, स्वयं के सुरक्षा के बारे में जो जागरूकता प्रदान की और जो कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और सबसे पहले हमें अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखना होगा, उसके बाद हम आगे किसी भी चीज के लिए मजबूती से खड़े हो पाएंगे, तो धन्यवाद मैम। इसी क्रम में मैं प्रोफेसर नीलम पाठक मैम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैम आप हमारे बीच आई और अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे अभिभावकों और छात्रों को शपथ ग्रहण कराया, थैंक यू मैम। अब मैं अपने विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री उमानाथ जी, वित्त अधिकारी धनंजय सिंह, उप कुल सचिव विनय कुमार सिंह, विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े प्राचार्य, विभिन्न विभागाध्यक्ष, सम्मानित आचार्य उपाचार्यगण, शिक्षकगण और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में मैं अपने आयोजन समिति के सदस्य प्रोफेसर तुहिना वर्मा, डॉक्टर सिंधु सिंह, डॉक्टर महिमा चौरसिया और इंजीनियर मनीषा यादव का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, तथा अंत में मैं मीडिया प्रभारी तथा तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का अपनी आयोजन टीम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम के अंत में अब मैं सभी से निवेदन करूंगी, कृपया अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ पुष्कर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः मैं मनीषा यादव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के हमारे इस प्रोग्राम में सभी को वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मैम, शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? यस मनीषा, प्लीज एंड द मीटिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सर।